डियर स्टूडेंट आर सी एच यू हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो मैंने एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है और कीटोनों का अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक पढ़ा चुका था। इसमें जो अपचयन के रूप में जो आप रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, तो देखें एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से एल्कोहलों का निर्माण करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट को काम में ले कौन कौन से आते हैं, अपचायक के रूप में पहली बात करता हूं मैं निष्क्रिय विलायकों में, पीटीपीडी के द्वारा पीटी या पीडी के द्वारा अपचय। नंबर टू पे बात करते हैं अपन सोडियम अमलगम NaHg, उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम वे वाटर के साथ। नंबर थ्री में बात करते हैं AlCl4 या NaBH4 के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 को बोलते हैं अपन सोडियम बोरो हाइड्राइड। नंबर चार पे बात करेंगे एथेनॉल का सोडियम में अपचय C2H5OH+Na, एथेनॉल का इस सोडियम में अपचय, इसको बोलते हैं बुवो ब्लांक अपचयन, इंपोर्टेंट है बुवो ब्लांक अपचयन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या होता है बुवो ब्लांक अपचयन। तो यानी कि अपन एल्डिहाइड और कीटोनों से यदि एल्कोहल का निर्माण करना है तो अपन को क्या कर सकते हैं, इन चारों रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। कौन कौन से, निष्क्रिय विलायकों में पीटीपीडी के द्वारा अपचयन, सोडियम अमलगम वाटर के द्वारा अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन, एथेनॉल का सोडियम से अपचयन जो होता है उसको बोलते हैं बुवो ब्लांक रिडक्शन। इसमें देखो एग्जांपल के रूप में किस प्रकार होता है CH3C(OH) एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड का मेरे को क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मैंने लिया यहां पे AlCl4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से क्या करता है, यहां से इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेगा, एक एच इस कार्बन पे जुड़ जाएगी और दूसरी एच यहां पे जुड़ जाएगी। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में ऊपर के जुड़ जाएगा एच, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। कैसा एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, क्यों, क्योंकि OH समूह जो है OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन जो ये है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो ये एल्कोहल कैसा कहलाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। इसी में बात करते हैं कीटोनों का अपचयन, माना कि एग्जांपल है CH3C(OCH3), इस कीटोन का अपचयन मैंने करवाया NaBH4 की प्रेजेंस में, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। तो यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, यहां पे एच जुड़ जाएगी और यहां पे एच, तो कीटोनों का अपचयन होगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पे CH3CH OH CH3 एल्कोहल बनेगा और इस OH समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, दो, इसका मतलब कैसा एल्कोहल कहलाता है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट में यदि आपका थर्ड में मेरे पास एल्डिहाइड CH3CH2C(OH), इसका रिडक्शन मेरे को करवाना है 2H, तो एरो के ऊपर मैंने लिख दिया Na+C2H5OH। तो देखो एथेनॉल और सोडियम से यदि रिडक्शन हो रहा है तो ये तो कंफर्म है, यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और यहां पे क्या देगा H जुड़ के OH CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार का जो रिडक्शन है यानी कि एल्डिहाइडों का अपचयन यदि सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं
वन डिग्री एंगल बन रहा है तो रिडक्शन कैसे कहलाता है आपका, बूओ ब्लांक अपचर, इंपोर्टेंट है बूओ ब्लांक रिडक्शन, इसका नाम क्या हो जाएगा बूओ ब्लांक रिडक्शन। तो ये है आपका एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से एल्कोहलों का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं एल्कोहल निर्माण की विधियों में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से उनको एल्कोहलों का निर्माण करना है। एग्जांपल में देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, मैंने लिया यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि मेरे को क्या करवाना है रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, मैंने लिया LiAlS4। तो देखो यहां से 4H है, यहां से पहले यहां से बॉन्ड बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हुआ, एक एच यहां पे ऐड हो जाएगा, 1H यहां पे 2H, यू जो बच कितने गए यहां पे 2H, इसके बाद में दूसरा एच कहां पे जो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा यहां से डिस्कनेक्ट होगा तो यहां पे एच जुड़ जाएगा, और दूसरा एच कहां पे तो यहां पे देखो एक एच पहले से था तो CH3CH2 ये क्या बन जाएगा OH, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH2OH+S। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही एस्टर का यदि आप अपचयन करवाते हैं, एस्टर के रूप में मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOC2H, इस एस्टर का यदि मैंने क्या करवाया रिडक्शन करवाया 4H किसकी प्रेजेंस में, LiAlS4 की उपस्थिति में, तो देखो ये क्या है आपका एस्टर है C डबल बॉन्ड OOC2H पर एथिल मेथिल एस्टर, इस एस्टर का आपको क्या करवाना है इसकी प्रेजेंस में LiAlS4 की उपस्थिति में रिडक्शन करवाना है। तो देखो पहले तो यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1H इधर जुड़ जाएगा, 1H इधर, तो ये तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा, कितने H बच गए 2, 1H, फिर यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, 1H इधर और 1H ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2OH, और ये सेम मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा वही C2H5OH, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन करवाएंगे तो इसका निर्माण हो जाता है एल्डिहाइड एवं कीटोनों का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं एल्किल हैलाइडों से एल्कोहलों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन का मतलब एल्किल हैलाइड है CH3CH2I। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH है KOH है या नम Ag2O की उपस्थिति में करवा दे तो किसका निर्माण हो जाता है यहां से 1 डिग्री एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। तो देखो यहां से मैंने एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने जलीय NaOH जलीय NaOH के साथ करवाई, तो देखो यहां से कैसे जलीय NaOH कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, यहां से टूटेगा आई पे क्या आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, देखो आई माइनस और Na प्लस, NaI बाहर निकल जाएगा NaI, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, इसका नाम क्या होता है सोडियम आयोडाइड, और यहां पे प्लस पे क्या जुड़ जाएगा OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH 1 डिग्री L। क्लियर है यहां पे हेलो एल्केनों से एल्कोहलों का निर्माण, यानी कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, जलीय NaOH है
या के ओ एच है या नम ए जी टू ओ की उपस्थिति में करवा दे तो किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से, इसी में चल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से। अम्लों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का जल अपघटन करवाना है और किसका निर्माण करना है, उनको एल्कोहलों का निर्माण करना है। तो यहां पे क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका जल अपघटन तनु अम्लों की उपस्थिति में करवा दें तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, एस्टर एवं एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। यानी एस कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से सूरज में कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात नहीं करेंगे, इसमें करेंगे एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से यानी कि एस्टर का जल अपघटन तनु अम्लों की उपस्थिति में संपन्न करवाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, एसिड एवं एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। देखिए किस प्रकार से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 ये आपका एस्टर है, इस एस्टर का मैंने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, तनु अम्लों की उपस्थिति में। तो देखो यहां से एज ए प्लस ओ एच नेगेटिव, यहां से बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। देखो ये C2H5 O माइनस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका C2H5OH और यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 C double bond O, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, एसिड बन जाएगा CH3 C double bond O OH। ये तो क्या बन गया आपका अम्ल और ये क्या है आपका एल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का जल अपघटन तनु अम्लों की उपस्थिति में करवाया जाता है तो अम्ल एवं एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से एल्कोहलों का निर्माण, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से एल्कोहलों का निर्माण, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से एल्कोहलों का निर्माण करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एलिफैटिक प्राथमिक जो एमीन होता है उसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करवा दें तो किसका निर्माण हो जाता है, 1 डिग्री एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। देखिए एग्जांपल में कैसे होता है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन CH3NH2, यानी CH3CH2 यहां पे NHH, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन बोल सकता हूं इसको, और इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दे, नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला होता है HNO2, इसको मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूं OH एंड डबल बॉन्ड। यहां से क्या करते हैं देखो रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, साइड साइड से बाहर निकल जाएगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा, दोनों एच ये ऑक्सीजन H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहां से H2 N मिलकर क्या बाहर निकल जाएगी, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और यहां से क्या बन जाएगा देखो CH3CH2OH एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपन एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।